कोडरमा जिला के मरकच्चो थाना क्षेत्र स्थित थाना भवन से महज एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित विद्युत सब स्टेशन में एक महीने में हुई दो बार चोरी की घटना। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सब स्टेशन में एक महीने में हुई दो बार चोरी की घटना। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात्रि में पार सब स्टेशन में उपस्थित तीन कर्मी रमेश वर्मा, उपेंद्र यादव और बलराम वर्मा ड्यूटी पर लगे हुए थे। उन्होंने बताया कि पूरे मरकच्चो क्षेत्र में विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से चल रही थी, तभी रात्रि करीब 10:30 बजे एकाएक लगभग 15 की संख्या में अज्ञात चोर गेट फांदकर विद्युत पावर सब स्टेशन के अंदर घुस गया। वहां कार्यरत तीनों कर्मियों की बांधकर लोहे की रोड से जमकर पिटाई करने के पश्चात उसका मोबाइल जब्त कर अंडर में रखा। खराब पड़ा ट्रांसफार्मर को गैस कटर से काटकर क्वाइल को निकालकर ले जाने की तैयारी कर ही रहा था। इसी बीच मरकच्चो थाना प्रभारी को क्षेत्र लोगों द्वारा सूचना मिली कि कई घंटों से क्षेत्र में बिजली कटी हुई है, पावर हाउस फोन लगाया जा रहा है तो फोन नहीं लग रहा है, इसलिए इसे देखने का प्रयास करें कहीं फिर तो कुछ घटना नहीं घट रही। और इस बात की खबर मिलने के पश्चात तुरंत करीब 2:30 बजे रात्रि थाना प्रभारी सुमित कुमार साव पावर सब स्टेशन पूरे दलबल के साथ पहुंचकर उपस्थित कर्मियों को आवाज देने का काम किया। तब तक सभी चोर थाना प्रभारी के सामने से खुला हुआ कॉइल छोड़कर भाग निकले। फिर बाद में थाना प्रभारी द्वारा उपस्थित कर्मियों को बांधा हुआ देखकर उन्हें खोला गया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया सही समय से जानकारी नहीं मिलने के अभाव में चोर भागने में सफल रहे, लेकिन जांच पड़ताल जारी है। प्रयास होगा कि चोर किसी भी हाल में पकड़ में आ जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। वहीं घटना के पश्चात विद्युत कर्मियों ने बताया विद्युत पावर हाउस में एक तो खिड़की दरवाजे नहीं, गांव ग्राम से सब पावर हाउस बिल्कुल हटकर है, जहां सुरक्षा नाम की कोई व्यवस्था नहीं। इस पावर सब स्टेशन में रात्रि में कार्य करने वाले लोगों को बार बार बेड एलिमेंट द्वारा बांध कर मारपीट की जाती है और इसके लिए कोई सुरक्षा नहीं। इसलिए हम लोग चाहेंगे जब तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम विद्युत कर्मी पावर सब स्टेशन में कार्य करना नहीं चाहेंगे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रमेश कुमार। कैसे कैसे घटना है, कौन कौन ड्यूटी पे थे आप लोग? ड्यूटी में हम लोग तीनों थे जो सामने बैठे हुए हैं, और ये घटना करीब 10:30 बजे रात का है। और हम लोग क्या होते खाना उना खा लिए थे, है ना, लाइन का कंट्रोल कर रहे थे यहाँ से बैठ के, है ना। दो व्यक्ति यहाँ पे थे, एक व्यक्ति वहाँ हीटर के पास मतलब बैठे हुए थे और दूध गर्म कर रहे थे दूध पीने के लिए। तो उधर से क्या हुआ कि पहले तो दो आदमी मतलब छलांग लगा के आया, है ना, उसके बाद सब जितना व्यक्ति मतलब उधर से आया है ना टोटल आ गया। पहले दो हम लोग को अटैक किया है ना, तो हम लोग एक दो फेटा मारबो किए है ना, तब तक हम लोग को पकड़ के मतलब लोहा डंटा और क्या क्या चीज़ था वैसा है ना उससे मार के पूरा मतलब इतना जोर से मारा जो कि हिम्मत नहीं हुआ फिर कि दोबारा उसको अटेंड करें। अच्छा, फिर उन लोग क्या खोला? उसके बाद हम लोग को क्या किया, पीछे से हाथ को बांध दिया, पीछे से हाथ पैर पूरा बांध के, देख सकते हैं ये वाला जो तार है, इस तार से बांधा हुआ था मेरा हाथ, है ना, तीनों का, ठीक ना, और एक जगह बैठा के उधर से मुंह तीनों का तीन साइड कर दिया था। और इतना देखिए कंबल है, पांचों पीस कंबल को ढक दिया था। उसके बाद क्या क्या हुआ हम लोग को पता ही नहीं चला, हम लोग देख ही नहीं पाए। फिर पुलिस यहाँ कैसे पहुंची? तो लगभग हमको लगता है कि 2:15 बजे करीब मतलब पुलिस पेट्रोलिंग के लिए आया। एक बार क्या हुआ था कि चोपनाडी फीडर है मेरा, वो किसी कारण से उन लोग के ही माध्यम से मतलब ट्रिप हो गया था लगभग मतलब करीब 12 बजे, तो उसी के माध्यम से चोपनाडी बंद था, तो यहाँ वहाँ से कॉल आने लगा था उन लोग के बीच में, तो इन लोग को डाउट लगा, तो मेरा कुछ स्टाफ और कुछ इधर पब्लिक लोग फोन किए थे थाना में कि थाना से बोल पावर हाउस में मतलब फोन नहीं उठाया जा रहा है, आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ मतलब ऐसा कुछ घटना हुआ होगा इसलिए नहीं मतलब उठा रहा है लोग, तो आप एक बार पेट्रोलिंग कर लीजिए। तो उन लोग आए, बड़ा बाबू वहाँ से आवाज़ दिए, ठीक ना, कि बहन चो तुम लोग लाइन बंद करके रखा है रे, तो इतना बोले और उन लोग लाइट देखा और इतना सुना, उसके बाद उन लोग जो दो आदमी वहाँ यहाँ बैठल थे वो भाग गए यहाँ से। उसके बाद पुलिस उधर से मतलब पीछा किए उन लोग का पूरा, है ना, अब कहाँ तक पीछा किए, हम लोग तो ढके हुए थे बंधे हुए थे हम लोग तो नहीं देखे। फिर उधर से रिटर्निंग आए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आवाज़ दे पाए कि बोल सर हम लोग अंदर में हैं।
दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।